कैसल देखने के लिए आए हैं। इसको मैम किंग अकबर ने स्टार्ट करवाया था बनवाना 1566 में। इसको बनने में 107 साल लगे थे, इट टुक 107 ईयर्स। और इसको मुगल्स की 4 जनरेशंस ने बनवाया, सबसे पहले फादर, फिर सन, फिर ग्रैंड सन और फिर ग्रेट ग्रैंड सन, किंग अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आलमगीर। तो फोर्ट के 3 गेट हैं। सबसे पहला गेट वो आपके सामने है, इस गेट का नाम है मस्ती गेट। तो मस्ती गेट पर पब्लिक को सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते थे कि आपने किंग के सामने कैसे खड़े होना है, आप किंग के साथ कैसे जाके बात करेंगे, क्योंकि जो फोर्ट था वो फोर्ट के अंदर ही है, किंग का अदालत बादशाह की। तो सबसे पहले वहाँ पे मैनर सिखाते थे। दूसरा गेट आपने देखा है, जहाँ से हम लोग आए हैं, जहाँ से गाड़ी लेके आई है, वहाँ से रॉयल फैमिली खुद आती थी एलिफेंट्स पे बैठ के। और थर्ड गेट मस्जिद के सामने है, जहाँ से मिलिट्री आती थी फोर्ट के अंदर। तो 3 गेट है। आपको पता है फोर्ट के बाहर मीनारे पाकिस्तान बना ना, इस जगह से पहले रिवर गुजरता था, अभी रिवर मूव कर गया अपनी डायरेक्शन, वो 4 किलोमीटर दूर निकल गया। और जो गोल्ड सिटी है, जिसको लाहौर सिटी, ये आपकी बैक साइड के पीछे लाहौर सिटी है, इसका पुराना नाम है लूपुर। लूपुर से बिगड़ के लाहौर बना है। और जो हिंदुओं के गॉड है ना, राम और सीता, इनका एक बेटा था, उसके नाम पे लाहौर सिटी का नाम है और उसका नाम था लू। तो ये इसका पुराना नाम लू। हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, हम लोग अभी खड़े हैं थर्ड फ्लोर पे, हम लोग अभी इस टाइम आ गए हैं इस फोर्ट की छत पे, रूप है ये। तो हमारे नीचे 2 बेसमेंट बने हैं। हम लोग देख रहे हैं रॉयल फैमिली का विंटर पैलेस, समर पैलेस नीचे है। समर पैलेस के नीचे एक बेसमेंट है जहाँ पर रॉयल फैमिली अपना पैसा रखी थी। और ये आपके सामने हाउस ऑफ कॉमन है, दीवान आम। तो किंग पब्लिक के डिसीजन वगैरह यहाँ पे करता था, तो लोग आके बताते थे कि सर हमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला। तो पब्लिक के सारे डिसीजन यहाँ पे होते थे। अभी मैं आपको थ्रोन दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है हमारा अगर सीमेंट के साथ बनता है, उसमें आयरन यूज़ करते हैं हम लोग, इसके अंदर किसी भी जगह पर वो यूज़ नहीं किया। हम लोग जो चने की दाल खाते हैं, ये दालें खाते हैं, लेंटिल पाउडर यूज़ किया है, एनिमल्स की बोन्स का पाउडर है, लाइम स्टोन यूज़ किया है। इस मिक्सर की लाइफ 1000 है। अब जो हमारा सीमेंट का घर है, इसकी लाइफ 100 ईयर्स है। तो 450 ईयर्स हो गए हैं फोर्ट को बनी है। तो आफ्टर दी मुगल्स, इस फोर्ट के अंदर सिख गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, तो सिख गवर्नमेंट आ गई और सिखों को टेक ओवर किया था ब्रिटिश आर्मी ने। तो 100 ईयर्स ब्रिटिश आर्मी का गैरिसन था। तो आप देखिए फोर्ट के अंदर जहाँ पे पिजन्स बैठे हैं, इनके अंदर ना ब्रिटिश आर्मी ने आयरन रॉड से आके उन्होंने अलग अलग वार्ड बना दिए, जिसको हॉस्पिटल बना दिया। तो मुगल्स का कोर्ट है, ब्रिटिश आर्मी का हॉस्पिटल है, आज चले। मुगल्स का क्या कोर्ट है? किंग अकबर का बेटा था और किंग अकबर के बाद यही किंग बना फिर बाद में प्रिंस सलीम। और आप फाउंटेन्स के मिड में जो जगह देख रहे हैं, ये म्यूजिशियन के लिए थी और डांसिंग गर्ल्स के लिए, रॉयल फैमिली के जो गेस्ट आते थे उनको एंटरटेन करने के लिए। ये मिड में शाम के टाइम में पार्टीज वगैरह यहाँ पे होती थी। गाइस जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई टू इमेजिन के यू नो व्हाट यूज्ड टू बी हैपनिंग हियर। आई कैन ऑलरेडी इमेजिन दे आर सो रॉयल। या तो आप अंदर फाउंटेन्स देख रहे हैं, अंदर जो लगे हैं ये लाइव चेस बोर्ड है, ह्यूमन चेस बोर्ड। आपको पता है हम लोग अपनी पीसेस खुद ही मूव करते हैं ना उसमें, लेकिन अंदर जो फाउंटेन्स है इनके साथ मेड्स खड़ी होती थी लाइव। तो जो शहजादे हैं ये सेंटर में आके बैठते थे। आपको पता है फाउंटेन्स जो लगे हैं ये तो फिक्स हो गए हैं, ये नहीं मूव हो सकते। इनकी जगह पे मेड्स मूव होती थी कि आप उस साइड पे चली जाओ, आप उधर चली जाओ, वो आपने मूव होना। तो बादशाह इन्हीं मेड्स के साथ लाइव चेस खेलते थे यहाँ पे।
तो आपके सामने ये ह्यूमन चेस बोर्ड है। ये चेस, ओह यार दे लुक लाइक चेस, ओह यार मुझे भी लग रहा है ये चैलेंज है। दे वर वेरी स्पॉइल्ड। आप अपनी बैक साइड पे वो ऊपर देखेंगे जो आपको ऊपर हवेली नजर आ रही है, ये खड़क सिंह की हवेली है। शायद आपके बाबा ने आपके पास ना यो खड़क सिंह के खड़कने से खड़क की है। खड़क नहीं, यहां हमारी सबसे खड़क सिंह की हवेली है। ये क्या था, ये कौन था खड़क सिंह? खड़क सिंह सर रणजीत सिंह का बेटा था। मुगल्स के बाद जब सिख गवर्नमेंट आई उन्होंने ये अपनी हमारे से नहीं होली दिस कंफ्यूजिंग नहीं होगा। हम लोग जिस जगह पे खड़े में आपको एलिफेंट है, पीकॉक्स है, वो लायंस वगैरह बने हैं, ये सारी हिंदू मंदिरों की रिफ्लेक्शन है। सर किंग अकबर ने ना एक नया रिलीजन बना दिया था दीन इलाही, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ये सब कुछ हिंदू मंदिरों की रिफ्लेक्शन बनाई दीन इलाही को प्रमोट करने। इसकी बेगम हिंदू थी ना? Yeah. So, ये सब बताया।